बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 2, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज लेक्चर नंबर 1 और आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी रीडिंग को, जो कि पेज नंबर 10 और 11 है आपकी बुक की, और कॉपी वर्क में आज ग्लोसी वर्ड्स को देखेंगे। सो रीडिंग के लिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 10 पर चले जाएं, और अपनी रीडिंग को अच्छे से करने के लिए आप लोग हाईलाइटर और पेंसिल वगैरह अपने पास रखें, ताकि कीवर्ड्स को हाईलाइट करके उनके मीनिंग्स भी आप नोट डाउन करें। सो स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम पैरा नंबर 1। सेंसिटिविटी और इरिटेबिलिटी इज द पावर टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस। के सेंसिटिविटी से क्या मुराद है कि किसी भी स्टिमुलस को जवाब देने की जो ताकत होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जानदार। तो किसी भी जानदार की किस चीज को जवाब देने की जो ताकत है, स्टिमुलस को जवाब देने की जो ताकत है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब ये स्टिमुलस क्या होता है उसको देखते हैं। कहते हैं स्टिमुलस कैन बी डिफाइंड एज एनी चेंज। तो स्टिमुलस क्या चीज है? एक चेंज है, तब्दीली है इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होंगी? एक्सटर्नल देखो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइट प्रोवाइड करो, टेम्परेचर प्रोवाइड करो ग्रेविटी की वजह से, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को टच करने से, या वाटर प्रोवाइड करने से, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई चेंज आए, तो ये तो एक्सटर्नल चेंज हुआ। और फिर या तो उसकी बॉडी के अंदर ही कोई चेंज आए, उसको हम बोलेंगे इंटरनल चेंज। तो विच कैन ब्रिंग, जो लाएगा अबाउट अ चेंज इन द एक्टिविटी। ठीक है, तो दो चीजों में चेंज हो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, एक्टिविटी जो भी वो काम कर रहा है या जिस भी वो सिचुएशन में है, उस काम करने में या उस सिचुएशन में कोई तब्दीली आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस। अच्छा, इस स्टिमुलस को मजीद अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ये एक मेमूसा प्लांट है, इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। जब इसको आप टच करते हो ना, तो ये एक इसके अंदर चेंज आ रहा है। देखो, इसके जो लीव्स है वो क्लोज होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, टच के जरिए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि इस प्लांट के अंदर हम एक चेंज लेके आए, जिससे इसकी जो एक्टिविटी है उसमें चेंज आया। देखो, पहले तो इसके जो लीव्स थे वो स्टिल थे, लेकिन हमारे टच करने से इसकी एक्टिविटी चेंज हुई, यानी कि इसके लीव क्लोज होना शुरू हो गए। होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टिमुलस के हवाले से। तो सेंसिटिविटी क्या सीखा, कि किसी भी स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स देने की ताकत है वो सेंसिटिविटी है। जिस तरह की अभी हमने देखा कि मेमोसा प्लांट को जब हमने टच किया, तो उसने क्या रिस्पॉन्स किया, उसने रिस्पॉन्स किया कि उसके लीव्स क्लोज हो गए। तो इस चीज को, इस खूबी को सेंसिटिविटी कहते हैं, और वो जो उसके अंदर चेंज आया, उसको हमने हमारे टच करने की वजह से, जो हमारा टच था वो उसके अंदर चेंज लेके आया, उसकी एक्टिविटी के अंदर चेंज आया, वो स्टिमुलस था। आगे कहते हैं जी, रिस्पॉन्स इज अ टर्म यूज फॉर द चेंज इन द एक्टिविटी। तो स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या चीज ऑर्गेनिज्म शो करता है? रिस्पॉन्स। जब अभी हमने देखा कि जब हमने मेमूसा प्लांट को टच किया, तो टच एक स्टिमुलस है, और उसके रिस्पॉन्स क्या आया कि उसके जो लीव्स है वो क्लोज हो गए। दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक कहते हैं खसूसियत ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, के किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना वो तमाम जानदारों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदारों की खूबी होती है। जिस तरह देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका हाथ अगर किसी भी तरह से आग के ऊपर आ जाए, तो आप का क्या रिस्पॉन्स होता है? आप फौरन अपने हाथ को खींच लेते हो, तो ये आपकी सेंसिटिविटी है। तो आग बेसिकली क्या था? एक स्टिमुलस था, और आपका रिस्पॉन्स क्या था? अपने हाथ को पीछे खींच लेना। फिर आगे देखते हैं, प्लांट रिएक्ट स्लोली टू स्टिमुलाई। जो प्लांट होते हैं वो किसी भी स्टिमुलाई को स्लोली रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनकी रफ्तार जो होती है रिस्पॉन्स देने की, वो कम होती है। वाइल एलिमेंट रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है जी फौरन, टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बैरूनी स्टिमुलस को। सो कहते हैं जी, द एक्सटर्नल स्टिमुलस दैट ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स, के वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जिससे रिस्पॉन्स आता है इन ऑर्गेनिज्म जानदारों में, वो क्या क्या है? वो लाइट की सूरत में हो सकता है, टेम्परेचर, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? जमीन की कशिश। ठीक है, टच, वाटर एंड केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये वो सारी चीजें जिनकी वजह से हम प्लांट के अंदर से रिस्पॉन्स, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से रिस्पॉन्स देख सकते हैं। द रिस्पॉन्स मेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज जनरली शोन बाय मूवमेंट्स।
कि जो रिस्पॉन्स है वो हमें किस सूरत में नजर आता है। प्लांट्स की अगर बात की जाए एनिमल की, तो वो डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, हरकत करते हैं। आइदर द होल ऑर्गेनिज्म मूव्स, या तो पूरा ऑर्गेनिज्म ही मूव कर जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, और सम पार्ट ऑफ इट्स बॉडी या उसके जिस्म का कुछ हिस्सा मूव आइदर टूवर्ड्स और अवे, अवे कहते हैं दूर जाना, या तो स्टिमुलस के पास चला जाएगा या उससे दूर चला जाएगा। एज इन प्लांट शूट्स एंड रूट्स, शूट क्या होते हैं, शूट कहते हैं हम पौधे के जो स्टेम होता है, जो तना होता है, और जो उसके लीव्स होते हैं, यानी कि ग्राउंड के जमीन के ऊपर ऊपर जो उसका हिस्सा होता है पौधे का, वो शूट होता है। और रूट क्या होती है, जड़ें, जो जमीन के अंदर होता है। एंड द लिम्स ऑफ एनिमल, लिम्स कहते हैं बाजू, तो जानवरों के बाजू। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, अब पौधों में कौन कौन सी मूवमेंट होती है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो देखते हैं। नेस्टिंग मूवमेंट्स की बात करते हैं, नेस्टिंग मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी कोई सिम्त नहीं होती। मूवमेंट्स मेड बाय अ पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट, जो किसी भी पौधे के एक साकिन, स्टेशन कहते हैं साकिन, उसके हिस्से से की जाती है, इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर के किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। और जिस तरह हमने अभी देखा था कि क्लोजिंग अप ऑफ द लीव ऑफ अ मिमोसा प्लांट के, जब हमने मिमोसा प्लांट को एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया यानी कि उसको बाहर से टच किया, तो उसने रिस्पॉन्स किया कि उसके जो लीव्स थे वो बंद हो गए। और मिमोसा एक स्टेशनरी प्लांट है यानी कि वो अपनी जगह से तो मूव नहीं करता। फिर दूसरी एग्जांपल कहते हैं, और द क्लोजिंग अप ऑफ द लिड, लिड कहते हैं कवर ऑफ अ पिक्चर प्लांट। ये देखो मैंने आपके सामने पिक्चर प्लांट बनाया और ये इसकी लिड है, अगर इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है ना तो अपनी लिड बंद कर लेता है, तो ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट है, ठीक है। फिर कहते हैं जी टेक्टिक मूवमेंट्स क्या होती है, व्हेन अ होल, जब मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जानदार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर के स्टिमुलस के लिए, सच एज लाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड सर्टन केमिकल, इट इज सेड टू बी एग्जिबिट, एग्जिबिट कहते हैं शो करना, जाहिर करना, टेक्टिक मूवमेंट। जिस तरह क्ले मेडोमोनास है, क्ले मेडोमोनास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इतने छोटे होते हैं कि आम आंख से उन्हें देख नहीं सकते। जिस तरह यहाँ पे हमने क्ले मेडोमोनास बनाया हुआ, तो ये देखो यहाँ पर लाइट है, तो ये लाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है, तो लाइट क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और ये उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये चला जाता है, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, टैक्टिक मूवमेंट। फिर नेक्स्ट है जी ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हेन अ फिक्स्ड पार्ट, जब कोई फिक्स हिस्सा ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट, किसी भी साकिन प्लांट का जो मूव ना करे, इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस द रिएक्शन इज डिस्क्राइब एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। तो देखो यहाँ पर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट की एग्जांपल ली हुई है कि ये हमारे पास एक प्लांट है और इस ये सनलाइट को रिस्पॉन्स कर रहा है और सन की डायरेक्शन में ही इसके जो लीव्स हैं वो उस तरफ बेंड हो गए हैं, ठीक है। द स्टिमुलस इज यूजुअली अप्लाइड फ्रॉम वन डायरेक्शन, ये एक सिम से अप्लाई किया जाता है, एंड द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मेड इन वन डेफिनेट डायरेक्शन, और उसका रिस्पॉन्स भी एक ही डायरेक्शन में। देखो ना लाइट यहाँ से पड़ रही है और इसका रिस्पॉन्स भी लाइट की तरफ है, इस वाले हिस्से पर तो लाइट नहीं पड़ रही और ना इस तरफ से कोई रिस्पॉन्स आपको नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट कहते हैं द रिस्पॉन्स में बी पॉजिटिव टूवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर तो किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन, जिस तरह भी हमने देखा पीछे कि प्लांट के ऊपर लाइट पड़ रही है और ये जो शूट है या जो प्लांट का ये सारे लीव्स वगैरह है वो लाइट के सोर्स की तरफ ही जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और अगर तो स्टिमुलस के अगेंस्ट या उससे दूर जाएंगे तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स कहलाता है। द रिस्पॉन्स शोन बाय द टिप्स ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट, यानी कि जो शूट्स यानी कि जो प्लांट्स के लीव्स और स्टेम होते हैं वो रोशनी को जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब भी लाइट होता है। द रिस्पॉन्स शोन बाय द रूट, रूट कहते हैं जड़ों को, ऑफ अ प्लांट टू द स्टिमुलस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी किसे कहते हैं, जमीन की कश। अब देखो ना वो जब तो जो ग्रेविटी है वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, तो जो प्लांट्स की रूट है ग्रेविटी उनको क्या करेगी, नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये जो ग्रेविटी का स्टिमुलस होगा और उसके रिस्पॉन्स में जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर चली जाएंगी, ये जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। तो जियो का मतलब ही होता है अर्थ या जमीन, तो जड़ें जमीन की तरफ बढ़ती हैं, इसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद कहते हैं जी ऑक्सिन एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ग्रोथ इन प्लांट्स, प्लांट्स का जो बढ़ना है इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लांट हार्मोन।
ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, यानी कि एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है, बढ़ता है। ऑक्सिन्स आर दी क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन। तो हार्मोन की एक क्लास है, ग्रुप है, जिनको ऑक्सिन कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ सेल्स इन शूट्स। तो इलोंगेशन किसे कहते हैं, बढ़ना, ठीक है। तो ऑक्सिन्स जो है वो किस चीज के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये शूट के सेल्स के लिए। शूट क्या होता है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि स्टेम और जो लीव्स होते हैं उनको हम शूट बोलते हैं। तो दे आर प्रोड्यूस बाय द रूट्स एंड शूट टिप्स। तो ये कौन पैदा करता है इन ऑक्सिन्स को, ये याद रखना आपने, रूट, जड़ें और शूट टिप्स, वो भी इनको पैदा करती है। फ्रॉम द टिप्स दे पास थ्रू द ग्रोइंग रीजन्स। तो टिप्स से ये कहाँ जाते हैं, जहां पर उन हिस्सों में जिन्होंने ग्रो होना होता है। फिर मजीद आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो जो ह्यूमन की बॉडी है ये डिफरेंट सिस्टम से बनी होती है। मिसाल के तौर पे हमारे जिस्म में एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, जिसको दिमाग का निज़ाम कहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से सिस्टम है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं नर्वस सिस्टम। तो बॉडी किससे बनी है, सिस्टम। अब सिस्टम किससे बना होता है, ऑर्गन से। जिस तरह नर्वस सिस्टम की एग्जांपल लें तो नर्वस सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, ब्रेन। अच्छा, जो ऑर्गन्स हैं वो किस चीज से बने होते हैं, वो टिश्यूज से बने होते हैं। टिश्यूज, जिस तरह जो नर्वस सिस्टम के टिश्यूज हैं उन्हें नर्वस टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। और टिश्यूज का अगर हम चले जाए तो बेसिकली टिश्यू कलेक्शन होती है सेल की। तो सेल, जिस तरह अगर हम नर्वस सिस्टम के सेल्स को देखें तो उनको नर्व सेल्स या न्यूरॉन कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट है या सबसे छोटी चीज है जिससे मिलकर वो पूरी बॉडी बनी होती, होता है सेल। तो होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर कहते हैं जी सेंसिटिविटी इन एनिमल्स। अभी तक हम प्लांट के अंदर सेंसिटिविटी को देख के उनकी डिफरेंट मूवमेंट्स को देखा, अब हम एनिमल्स के ऊपर बात करते हैं। तो एनिमल्स ऑन द होल आर मोर एक्टिव देन प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स की निस्बत इनका जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा तेज होता है, ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव डेवलप्ड डेफिनेट सिस्टम्स टू रिसीव स्टिमुलाई एंड ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी। तो इनके जिस्म के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर जो है वो खास निज़ाम होते हैं, वो डेवलप हो चुके होते हैं, जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और फिर उसका रिस्पॉन्स देते हैं। टेक्टिक मूवमेंट्स इन एनिमल्स, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कहते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं, सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम शो टेक्टिक मूवमेंट्स वेयर द होल एनिमल मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। तो ये उसी तरह टेक्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, जिसमें पूरे का पूरा जो जानवर है वो मूव करता है, उसका कोई पार्ट नहीं बल्कि पूरे का पूरा। जिस तरह अमीबा जो है ये भी हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये अगर हम इसको लाइट एज अ स्टिमुलस दें तो ये लाइट की तरफ मूव करेगा या लाइट से अवे मूव करेगा। तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म चूंकि मूव कर रहा है तो इसलिए इसकी मूवमेंट को कहेंगे टेक्टिक मूवमेंट। फिर कहते हैं जी सेंसिटिविटी इन मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं, उन जानदारों को कहते हैं जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम विच डील विद द सेंसिटिविटी आर वेरी डेवलप्ड इन मैमल्स। सो मैमल्स में वो तमाम ऑर्गन्स और सिस्टम जो सेंसिटिविटी से जिनका ताल्लुक है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग वेरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एनवायरमेंट। तो वो इस काबिल होते हैं कि वो अपने माहौल के बारे में तफसील से मालूमात को जो है वो रिसीव कर सकें, हासिल कर सकें। फिर द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहते हैं मिलकर काम करना, वेरियस एक्टिविटी, मुख्तलिफ कामों का विद इन द ऑर्गेनिज्म, सो दैट द ऑर्गेनिज्म एक्ट एज एन इंटीग्रेटेड होल। देखो ना, आपकी बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है, तो एक ही वक्त में जिस्म का हर हिस्सा सही से काम क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस्म के अंदर कोऑर्डिनेशन है। और कोऑर्डिनेशन कौन से दो सिस्टम्स लेके चलते हैं, वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है। जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था ना कि बॉडी सिस्टम से बनी होती है, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट याद रख लो कि कौन से दो सिस्टम है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को मिलाकर काम करवाते हैं। तो नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, अभी डिटेल में बात करते हैं। नर्वस सिस्टम आपको बता चुका हूँ, दिमाग का जो निज़ाम है। द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल इज कंपोज्ड और बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एंड नर्व्स। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच पोर कहते हैं खारिज करना, देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून के अंदर। तो एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है और इन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशंस या हार्मोन्स को जिस्म में भेजना। और ये हार्मोन्स
का हर हार्मोन का जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है जिस्म के अंदर. द सेक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. दीज आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच हेल्प टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स आर मोस्टली कंसर्न विद ब्रिंगिंग अबाउट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इनसाइड द बॉडी. तो हार्मोन्स का जो ताल्लुक है वो जिस्म के अंदर होने वाले स्टिमुलस के रिस्पॉन्स देना है. देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. फिर कहता है जी हाउ कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट. कोऑर्डिनेशन हैज फाइव मेन कॉम्पोनेंट, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स. ठीक है जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं. स्टिमुलस इज एनी चेंज इनसाइड बाहर अंदर और आउटसाइड या बाहर द बॉडी दैट इज साउंड, साइट, स्मेल. साइट किसको कहते हैं, देखने को, स्मेल, पेन और टच. रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आर दी सेंस organs which detect a stimulus. तो ये वो organs जो stimulus को detect करें, that is ear, eyes, nose, skin और tongue. देखो ना, मैंने जिस तरह आपको शुरू में example दी थी कि कोई भी गर्म चीज पर आपका हाथ लगे तो हाथ आप हटा लेते हो, तो वो जो गर्म चीज है वो एक stimulus है, stimulus है, और वो जो आपकी hand है, जो आपकी skin होगी वो receptor के तौर पर यहाँ पर काम कर रही होगी जो stimulus को receive करेगी. Coordinators are the organ which receive information from receptor. तो आपके हाथ से information कहाँ जाएगी, brain पर. Brain में, brain जो है वो फिर आगे से response करेगा कि आप अपना हाथ वहाँ से हटा लें. Effectors are the parts of body which are controlled by the coordinators. तो coordinator जिन चीजों को control करती है वो effector होते हैं, that is muscles, जिस्म के muscles. फिर copy work start करते हैं. अभी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना copy का जो इंडेक्स है आज के कॉपी वर्क का वो लिखेंगे, और इंडेक्स जो है वो आपको पैटर्न बताया जा चुका है, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आप इंडेक्स लिखें. फिर अपना पेज रेडी कीजिए. इंडेक्स लिखने के बाद पेज किस तरह से रेडी करना है, डेट, डेट, यूनिट, टॉपिक, स्टेटमेंट, सब चीजें आपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली वहां पर देनी है, और आपका जो काम है इट शुड बी नीट एंड क्लीन. सो आज का कॉपी वर्क ग्लोसरी वर्ड्स है, जिनमें से मेजॉरिटी जो टर्म्स है वो हम कर चुके हैं. स्टिमुलस की डेफिनेशन देख चुके हैं, रिस्पॉन्स की डेफिनेशन देख चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन देख चुके हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, ये तमाम डेफिनेशन हम अभी डिटेल में रीडिंग के दौरान देख चुके हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं जी इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, अ क्विक एंड सडन मूवमेंट, यानी कि बहुत ही तेज हरकत विच डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, जिसमें दिमाग का कोई भी काम नहीं शामिल हो, जिसमें दिमाग शामिल ना हो. जिस तरह के मैंने आपको पहले एक कॉमन सी एग्जांपल दी कि आपका आग के ऊपर हाथ आ जाए, तो आप क्या दो मिनट हाथ को आग पर रख के सोचते हो हाँ मैं पीछे करूं या ना करूं. नो, क्विक एंड सडन मूवमेंट होती, फौरन हाथ खींच लेते हो. इसी तरह दरवाजे में आ जाए तो फौरन खींच लेते हो. तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसमें आपकी विल, आपका दिमाग, आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं होती. फिर वॉलेंट्री एक्शन वो है जो आप अपनी मर्जी से करते हो, स्पीकिंग, रीडिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा. सच एक्शंस आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है, तो वॉकिंग की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, WALKING. ठीक है, फिर कॉर्टेक्स क्या होता है, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी. किडनी यानी कि जिसको हम गुर्दा कहते हैं, तो उसका जो बैरूनी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. नेफ्रोन क्या होता है, द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो खरूज का निजाम होता है जिससे आपके जिस्म से वेस्ट जो मटेरियल है वो निकल जाते हैं, तो वो जो सिस्टम है उसके अंदर कहता है कॉन्टेन मिलियंस, लाखों टाइनी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं. और सेंसिटिविटी हम देख चुके हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होपफुली आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी. अगर कोई भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो या तो आप यूट्यूब के चैनल पर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं.